हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष इंस्ट्रूमेंटेशन। आज हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट फेस प्लेट के बारे में जो डीसीएस में यूज होती है। तो पूरी वीडियो देखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले जान लेते हैं फेस प्लेट होती क्या है। द इंस्ट्रूमेंट फेस प्लेट इंडिकेट द स्टेटस ऑफ ए फंक्शन ब्लॉक इन द फॉर्म ऑफ ए विंडो। एक विंडो के रूप में ये क्या है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का फंक्शन इंडिकेट करती है। When an instrument is created in the Gene Builder, the instrument faceplate window automatically gets created depending on the type of the instrument. मतलब जब कोई हम इंस्ट्रूमेंट बिल्डर में कोई इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करते हैं तो एक फेस प्लेट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है जो कि उस इंस्ट्रूमेंट के टाइप पे डिपेंड करती है। डिफरेंट टाइप के फेस प्लेट होती हैं। द इंस्ट्रूमेंट फेस प्लेट इज यूज नॉट ओनली फॉर मॉनिटरिंग बट ऑल्सो फॉर चेंजिंग और सेटिंग ऑफ पैरामीटर्स एंड चेंजिंग मोड्स वाई ऑपरेटिंग द इंस्ट्रूमेंट फेस प्लेट। मतलब सिर्फ ये इंडिकेशन के ही काम नहीं आती, मॉनिटरिंग के ही, ये इससे हम पैरामीटर भी चेंज कर सकते हैं और मोड भी चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप की फेस प्लेट होती हैं। सबसे पहले होती है एनलॉग टाइप की, जो कि PID कंट्रोलर ब्लॉक फैमिली की होती है, उसमें ये इस टाइप की फेस प्लेट होती है। इन सब के बारे में भी बताएंगे हम कि इन सब का मीनिंग क्या होता है और क्या क्या चीज है ये अब ये आगे वीडियो में आएगा। दूसरी होती है डिस्क्रीट टाइप। डिस्क्रीट टाइप मतलब डिजिटल इनपुट के लिए जो रहती है, इसमें या 0 या 1 दो ही इनपुट रहते हैं, या तो ऑन है या ऑफ है, तो ये डिस्क्रीट टाइप की होगी। तीसरी होती है फेस प्लेट ब्लॉक टाइप, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप के ब्लॉक मिल जाएंगे जिससे आप एक्टिव कर सकते हो कोई भी इनपुट को। और एक होती है डाटा डिस्प्ले टाइप, जो कि सीक्वेंस टेबल ब्लॉक के लिए होती है, जिसमें ये इस तरह से दिखाते हैं और ये टाइमिंग वगैरह दिखती रहती है, ये सिर्फ सीक्वेंस में काम आती है, तो ये होती है डाटा डिस्प्ले टाइप की। अब देखिए, ये मैंने सब दिखा रखी है। तो पहला होता है कमेंट डिस्प्ले एरिया, इसमें टैग रहता है जो हमारे इंस्ट्रूमेंट का टैग है और उसका डिस्क्रिप्शन रहता है। ये स्टेटस डिस्प्ले एरिया है, जिसमें आपको स्टेटस दिखाया जाएगा उस लूप का, IOP है या नॉर्मल है, मैनुअल में है या ऑटो में है, ये सब चीजें यहाँ दिखाई जाएगी। ये पैरामीटर डिस्प्ले है, ये पैरामीटर दिखाता है, इसके बारे में अभी आगे हम बताएंगे कि ये पैरामीटर क्या क्या है। फिर ये इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले एरिया है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि ये कौन कौन से एरो हैं और इनका मतलब क्या है। ये ऑपरेटर मार्क रहता है और ये डाटा इनपुट डायलॉग बॉक्स कॉल बटन रहता है। तो ये कितनी सारी चीजें होती हैं। अब ये पहले हम पैरामीटर के बारे में बता देते हैं। जो PV लिखा रहता है वो होता है प्रोसेस वैल्यू, जो आपके इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू चल रही होती है वो होती है हमारी PV, वो यहाँ दिखाई जाती है। सेट वैल्यू SV होती है, सेट वैल्यू मतलब जो हमने किसी भी क्लोज लूप सिस्टम के लिए एक सेट वैल्यू दे रखी है कि ये इतना चलना चाहिए उस PV को मैच कराने के लिए, तो ये सेट वैल्यू हो गई। तीसरी होती है MB, मतलब जो कंट्रोल वाल्व के लिए MB गई हुई है, वो होती है मैनिपुलेटेड वैल्यू। यहाँ आपका दिखाता है कि वाल्व कितना खुला हुआ है या बंद है, तो ये तीन चीज होती है पैरामीटर में। अब आते हैं हम स्केल के बारे में। स्केल में तीन चीजें रहती हैं। जो ये वाला एरो है, ये होता है MB के लिए। आप यहाँ से भी इस कर्सर को दबा के ये MB को ऊपर नीचे कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे भी एंटर कर सकते हैं। ये इसका लोअर पॉइंट रहता है, ये इसका आउटपुट का हाईर लिमिट रहती है। दूसरा होता है प्रोसेस वैल्यू, जो अंदर स्केल दिखाया जाता है वो होता है प्रोसेस वैल्यू का, जो कि आप ये ग्रीन से देख सकते हो। ये होती है हमारी SV, सेट वैल्यू। सेट वैल्यू को भी आप एरो से ऊपर नीचे कर सकते हो, आप यहाँ पे भी एंटर कर सकते हैं और आप यहाँ से भी सेट वैल्यू को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे स्केल के फंक्शन बताए। अभी हम सेट वैल्यू को कहाँ कहाँ से चेंज कर सकते हैं वो देखते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करिए और आप जो भी सेट वैल्यू डालना चाहते हैं उससे सेट वैल्यू डल जाएगी। आप इस पॉइंटर को ऊपर नीचे करिए, जहाँ पे आप रहोगे वो उतनी सेट वैल्यू हो जाएगी, और आप यहाँ से एंटर करके भी आप सेट वैल्यू डाल सकते हैं। तो ये सेट वैल्यू डालने की चीजें होंगी। अब आपको मोड कैसे चेंज करते हैं या मोड क्या क्या रहते हैं,
तो हमारे तीन मोड रहते हैं, ऑटो मोड, मैनुअल मोड और कैस्केड मोड। जब हम इस ब्लॉक पर क्लिक करेंगे तो एक ऐसी विंडो आएगी, तो ये जो हैंड वाला रहता है वो होता है मैनुअल मोड का, और ये जो रेक्टेंगल टाइप का ये ऑटो मोड है और ये कैस्केड मोड है। आप इनमें से जिस पे क्लिक कर दोगे वो आपका मोड में, उस मोड में चला जाएगा कंट्रोलर। तो ये है मोड का। तो ये इस तरह से हमने आपको फेस प्लेट के बारे में बताया कि क्या क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। और एक ये हमारी बुक है ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, उसमें आपको डिफरेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलेंगे इन सब चैप्टरों पे। तो अगर आपको ये परचेज करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अमेजन से भी परचेज कर सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।